एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो जीरा डाल देंगे। जीरा लाल हो गई है तो कसा हुआ अदरक डाल देंगे। कटा हुआ एक गाजर डाल देंगे। गाजर को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं तो इन्हें हम साइड में कर देते हैं। पैन के एक साइड गाजर पक रहा है तो दूसरे साइड हम मटर पका लेंगे। बहुत ही बढ़िया मीठा मटर है तो फटाफट इससे भाप लगते ही पक जाएगा। यहाँ पर मैंने एक टमाटर, थोड़ा सा करी पत्ता, हरी मिर्ची काट लिया है तो एक साइड हम इसे भी रख देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे सभी पर। हल्दी पाउडर डाल देंगे और इन्हें हम थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड से चला देते हैं इस प्रकार से, जैसे कि नमक और हल्दी पकने में मदद कर देंगे। और इन्हें हम ढक के 2 से 3 मिनट तक बाफ आने तक पका लेते हैं। ढक्कन खोलते हैं, ये देखिए अच्छे से बाफ लग गया है। इन्हें हम अच्छे से चला देते हैं। सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है तो थोड़ा सा आंच को हम तेज करेंगे और थोड़ा सा पानी को सुखा लेते हैं। बहुत ही थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। सब्जी जितनी तीखी खानी हो उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर, खूब सारा हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, मिला लेते हैं। झटपट से बनने वाला गाजर और मटर की सब्जी रेडी हो चुकी है, जो कि टिफिन के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।